हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन पे, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुकंदर के फायदों के बारे में। चुकंदर खाना किस तरीके से आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है और कितनी सारी बीमारियों को भी ठीक करता है। चुकंदर खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। कुछ लोग इसे सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसके जूस को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चुकंदर खाने से ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि आपसे कोसों दूर रहती हैं। सबसे पहले तो चुकंदर खाने से आपके शरीर में खून की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती, साथ ही आपका जो शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल रहता है। चुकंदर में मौजूद आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस आपके शरीर को ताकत तो देते ही हैं, साथ ही आपके शरीर से बीमारियों को भी कोसों दूर रखते हैं। खून की कमी से होने वाले रोगों में चुकंदर सबसे ज़्यादा कारगर है। एनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए चुकंदर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। चुकंदर में पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो खून को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं, साथ ही उसे साफ भी करते हैं। महिलाओं में खून की कमी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। यदि महिलाएं अपनी डाइट में चुकंदर को शामिल करें तो उनके शरीर में होने वाली खून की कमी जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान जो शरीर में खून की कमी होती है उसे दूर रखने में भी चुकंदर काफ़ी कारगर है। आप चाहें तो इस दौरान आप चुकंदर का जूस का सेवन कर सकती हैं या फिर अपनी डाइट में चुकंदर को शामिल कर सकती हैं। चुकंदर में फाइबर, फ्लेवोनॉइड्स और बीटा-साइनिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है, इसलिए इसका रंग लाल और बैंगनी होता है। यह LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मदद करता है, यानी कि आपके जो शरीर में ख़राब कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपके दिल के दौरे की जो समस्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। जिनका हार्ट कमज़ोर है या फिर जिन्हें दिल के दौरे की समस्या रहती है उनको चुकंदर का सेवन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो लोग हार्डवर्क अधिक करते हैं, जिनका शारीरिक श्रम ज़्यादा रहता है या फिर जो लोग जिम में अधिक मात्रा में वर्कआउट करते हैं और सारा दिन काम करके थक जाते हैं, उनके लिए चुकंदर बहुत ही फायदेमंद होगा। चुकंदर खाने से एनर्जी का लेवल बढ़ता है, इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रेट तत्व धमनियों का विस्तार करने में काफ़ी मदद करते हैं। इस दौर में मोटापा एक गंभीर समस्या है जिसके कारण शरीर में कई तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं, लेकिन अगर आप चुकंदर का सेवन करते हैं तो आप मोटापे के साथ साथ इन सारी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। चुकंदर में फाइबर की क्योंकि अच्छी मात्रा होती है, इसलिए यह कब्ज को दूर करने के साथ साथ आपके पाचन संबंधी समस्याओं को भी दूर करने में काफ़ी कारगर है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में पाचन संबंधी समस्याएँ नहीं होती हैं, साथ ही आपका जो पाचन तंत्र है वो भी मजबूत बनता है। चुकंदर में कैलोरी भी बहुत ही कम मात्रा में होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण आपका जो वजन है वो जल्दी से जल्दी कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। यदि आप अपने वजन को कम कर लेते हैं तो आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में चुकंदर का सेवन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। यदि आप अपनी डाइट में चुकंदर को शामिल करते हैं तो इससे आपका जो वजन है वो जल्दी से जल्दी कम हो जाएगा, साथ ही मोटापे से होने वाली कई सारी बीमारियां जैसे कि थकान, कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से भी आप बच सकते हैं। फ्रेंड्स, चुकंदर का सेवन करना हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद होता है। ये आपको कई सारी गंभीर बीमारियों से भी बचाता है, साथ ही आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी मैं इसी तरह के और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।